अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे वादा की थी ना कि मैं दोपहर में ब्लॉग डालूंगी, इसलिए क्योंकि मैं अपनी सच्चाई बोल रही थी तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे हैं, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि सच्चाई जो बोल रही हूँ वो मेरे पास सब वीडियो के जरिए है। मैं आपको सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ, तो पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो, अरे चल चा, तेरे को जो करना है कर ले, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने तेरे को दे दिया। और तू ये मैं कमिश्नर साहब की, मैं कमिश्नर साहब की ऑफिस जा रहे हूँ अभी, ये तेरा तेरा सुनाता हूँ, तेरे को मैंने पूरे पैसे दे दिए, तो भी अभी तू अभी मेरे पास जबरदस्ती पैसे मांगती है, मैंने तेरे को पैसा पूरा दे दिया पूरा। तूने चले चल, फालतू बात मत करे, तेरे को और तू बोलती है ना कोई किसके ए, चले तेरे पे सब चढ़े, चल रख चल पैसे लेके, चीटर ए चीटर, पैसे ले लिए, पैसे ले लिए 15 लाख 9 लाख रुपए दूसरे। मेरी अभी मेरी औरत के जो दागीने हैं ना, वो तो तेरे को देने ही पड़ेंगे, मेरी औरत के दागीने तो तेरे को देने ही पड़ेंगे। तू लिख ले और तूने मेरी सुपारी दिए लिए ना, अब देख मेरे को कुछ भी होएगा ना तो देख तेरी जवाबदारी है, मेरे को कुछ भी होएगा तेरी जवाबदारी, मेरी फैमिली को कुछ होएगा तो तेरी जवाबदारी। तू बॉस है ना, तू डोन है ना, तू डोन है ना, तू डोन है ना, तू लोगों की सुपारी देती है ना, मेरे पास तेरा वीडियो भी है, तूने मार के लोगों को घर में घुस के मारा है ना, वो भी वीडियो है, तू तेरा वीडियो भी है मेरे पास, तू लोगों के घर में घुस के मारती है ना, तेरा वीडियो भी है। हाँ वो तू सबके ए, मेरे से बात कर, मेरी औरत से क्या बात करेगी, मेरे से बात कर बे, चले चल चल चल, पूरे पैसे दे दिए, लोई पीती है लोगों के खून के पैसे लेती है, लोगों के खून के पैसे, रख दे चल रख। सुना आपने, तो ऐसे सब उलझनों में उलझी रहती थी। अब मेरा आदमी अगर मुझे ये चीज बोल रहा है कि देखो मुझे धमकी दे रही है, वो मुझे फंसाने की बात कर रही है, मेरे ऊपर लांछन लगा रही है कि मैं उसका गलत यूज किया और पैसे भी ले ली, दागिना जब मैंने उसको पूछी तो उसने ये सब बताया कि देखिए ये सब मेरे साथ में उसका फोन आया था, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड, मेरे पास तो ये वीडियो है सब, तो आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ कि मैंने अपने आदमी के ऊपर विश्वास किया और जो मेरे घर से पैसा गया, दागिना गया, जब मुझे ये चीज मेरा आदमी खुले में बता रहा है तो मैं कैसे विश्वास नहीं करती अपने आदमी पे। तो उसके विश्वास करके ही मैं तो ये सब चीजों में सच्चाई समझ के चल रही थी, लेकिन आज तो उसका रूप कुछ और ही दिख रहा है। तो बहुत जरूरी है कि मुझे अगर आप फंसा रहे हो, मुझे अगर आप बोल रहे हो मैं गलत हूँ, तो मैं कहाँ गलत हूँ। मैं आप लोगों से, जो मुझे मेरा वीडियो देखते हैं ना, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। इसके बाद तुरंत वो 15 लाख वाली का मुझे फोन आता है, तो वो भी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, वो पूरा वीडियो है, क्योंकि जब ये बात हुई ना तो मुझे मेरा विश्वास है ना डगमगा गया कि कौन झूठा कौन सच्चा है मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैंने दूसरे बात करते करते दूसरे फोन से पूरा वीडियो निकाल कर लियो। अभी आप ये सुनिए। आप बोल क्या, वो फोन कर रही थी? मैं फोन कर रही थी इसके लिए। हाँ, वो मैं थोड़ा एक जगह पे मीटिंग में थी, अमीन बोला आंटी का बार बार फोन आ रहा है मेरे को। हाँ, अयुब से बात करी मैं। हाँ हाँ, देखो बैठा, अगर तुमसे नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा करके दे दो, हटा दो, मत मच मच करो, मैं भी नहीं लफड़ा करना चाहती। हाँ, अरे अपने उम्र नहीं लफड़ा करने की, जो पहले दे दो, बोलता मैंने तुमको 9 लाख रूपए ब्याज दिया हूँ और 15 लाख क्या दिया, मेरे उसका 17 लाख सोना दिया। क्या मैंने तेरे को सामने क्या बोली? देखो बोल रहा है मेरे से, सच बोली। हाँ, मैं देख झूठ बात करती नहीं, मेरे को झूठ पसंद भी नहीं है, मैं जो सच बात है वो बात पे मैं मरती हूँ। तो मैंने उसको समझा के बोली, तो उसने मेरे को क्या बोला कि देखो काम के सिलसिले में काम के लिए लिया था, वो काम वाला भाग गया गोरी, मैं डर गया था, मेरा आदमी है, मैं क्या करूँ, तू मेरी दुकान ले ले या तो फ्लैट ले ले, दोनों में से मैंने तेरे से वादा करी थी बराबर, तूने फिर दुकान के लिए बोली कि जान दे मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे को कुछ भी देख ना, मेरे को ए मालूम है ना बी मालूम है, तू खुद भी बता मुझे कुछ मालूम है इसमें। मैं सिर्फ तेरी बात पे यकीन करके
मैं हामी भरी और उसने हाँ बोला तो मैंने, मेरे बच्चे ने तेरे को हमेशा हामी भरे थे, हमने कभी तेरे को कभी ना नहीं बोले कि नहीं। हम जब हमको मालूम पड़ा, बिल्डर है ना बिल्डर, हाँ फोन मारी थी 1 लाख रुपए एटीट्यूड मारी, हाँ तूने मेरे को पूछा था कि दीदी सारा तू ले ले, अब तो मैं बोली मैं क्या करूँ, लेके तू भेज दे उधर। हाँ नहीं नहीं बिल्डर है ना बिल्डर, हाँ सही बात की थी तो 1 लाख रुपए उसको मैंने दी थी बराबर है। हाँ मैं नहीं चाहती, मैं जाने दे खत्म कर दो जो भी अपना है। तू लाइन में भी बोली मैं रियाना से बात नहीं करती इमरान की, उसको मैं बोली मेरा सारा का कुछ भी झगड़ा नहीं था, मैं तो बात नहीं झगड़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं झगड़ा वगड़ा तो कुछ बोला नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, मैंने ये बोली कि मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। नहीं मेरी दोस्त थी जब मैं उधर आती थी उसको बहुत पसंद थी, ऐसा बोल के बात करी। मैं देख तू यकीन कर या मत कर, मैं झूठ बात कभी करती नहीं हूँ। तेरा ये 15 लाख रुपए कोई मेरे लिए देख कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है ना ये देख ये जब चीज मुझे मालूम ही नहीं थी तो भी मैंने तेरे को हामी भरी और उसको मैं बोली अगर देख किसी का लिया है कुछ बात है तो दे दे। ये बोली तूने? हाँ तो मैंने उसको समझा के बोली कि देख अयुब कुछ बात करने से मचान करने से कुछ मतलब नहीं है, तू लिया है तो सच्ची बोल। तो बोला मैंने नहीं लिया, मेरे को पैसे का उधर तेरे से झगड़ा हो गया था तो कम पड़ा तो काम के लिए उन्होंने दिया था, मैंने ये भी बोला था कि कुछ गुड लक डाल के मैं दूंगा बराबर। उसके बाद मैंने तेरे को हमेशा हामी भरी कह रही तो देना ले ले तू। हाँ तो मैं देख मेरे को तो ना दिया भी मालूम नहीं, तेरी भी बात का यकीन करी उसकी भी बात का यकीन करी मैं, तो अभी मैं क्या करूँ तू बता, मेरे बोलने के बाद भी तू उस दिन काम करते हैं तेरा। हाँ अभी अय्यूब को बुला के अपन बैठ के तीनों जन कोई नहीं रहेगा तीसरा चौथा बैठ के बात करते। नहीं तो सब लोग भी रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता, कोई भी रहने दो क्या फर्क पड़ता। उस दिन भी तुम्हारी लड़की आए मेरे घर पे, सुनो उस दिन तुम्हारी लड़की लड़का सब आए, मैं किसी को मना करी मेरे घर पे आने के लिए। हाँ तुम्हारी लड़की ने बैठ के उस दिन मेरे घर में बैठ के मेरे घर में रिकॉर्डिंग किया उसने, मैं तो मना भी नहीं करी। चौकी में तू बोला एलिगेशन मारी, मार के बोली मैंने वॉचमैन को मारी, मैंने वॉचमैन को तेरे नहीं नहीं वॉचमैन को नहीं मारी, वॉचमैन को तुम मना कर दो, वॉचमैन के मना करने के बाद भी तुम अंदर आए, ये बोली मैं झूठ बात नहीं करती हूँ। और तू आती मैंने तेरे को उन लोग के सामने क्या बोली कि तू अकेली आती तो मैं तुझे घर में भी लेती, तू इन लोग को लेके क्यों आई इधर, बोली कि नहीं बोली। मेरे पास वीडियो है तुम लोग आए ले मेरे दरवाजे में कर ले, वीडियो है मेरे पास। नहीं है वो तुम्हारे मलाड़ पे रहता है वो, अरे वो मेरे समधन के रिश्ते में जो, अरे भाई जो भी है कोई भी है, वो आए थे ना मेरे दरवाजे पे तक के बोले हम लोग ने साए, वो बोले अय्यूब रंटाक मेरा 15 लाख रुपए लेके भाग गया, अभी हम लोग 15 जन जाके उसके घर पे माँ चोत के आए उसकी औरत के घर पे, मैंने बोले तो मैंने कॉन्फ्रेंस में तुरंत उनसे बात करी हूँ। अरे पागल किधर बोलेंगे, मैंने बात करी तुरंत बात करी, मैंने बोली मैंने आपको इज्जत से बात करके भेजी, आप ये बात बोलते हो कि उसके औरत के घर पे 15 जन को लेके माँ चोत के आए, पूछ तो उनको। ये सब बात तो हुई नहीं बाबा, ये सब बात करे भी नहीं हो, सुनना मेरी बात तो। हाँ बोल। मैं काम करती अभी तक दो दिन ही है, अभी मैं इधर जा रही काम से, मतलब तो 2 दिन में आती मैं एमएलए के बात करती। नहीं मुझे तो अभी अभी मुझे वहाँ से फोन भी आया था चेंबूर से कि तू तेरी लड़की लोग मेरे लड़के पे केस करने वाले, तू अय्यूब के ऊपर रेप केस डालने वाली है, सुना मैंने अभी। नहीं नहीं लगता मेरे को, लगता मेरे को तेरी लड़की ने जो अभी गालियां दी है ना मेरे को, लगता मेरे को क्योंकि मैं तेरे से बात करती हूँ लेकिन तुम अलग बात करते हो। अभी तेरी लड़की ने क्या बोली, सायरा चिनाल रंडी को मैं करती हूँ बराबर, ये बोली ना तेरी लड़की ने फोन पे, बोली ना अय्यूब को। क्या तुझसे रुक के रिकॉर्डिंग सुना मेरे को, रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ रुक, उसको मंगाती हूँ रुक, वो बोल रहा ना गाली दी मेरे को रुक, अभी उसको बोलती तेरे पास रिकॉर्डिंग है तो भेज मेरे को। हाँ रख। फिर इसने मेरे को बोला कि रिकॉर्डिंग भेज, तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने इसको फोन करी बंगड़ी चोर को, तो उसने भेजा रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग वो वीडियो के साथ में रिकॉर्डिंग है क्योंकि वो फोन पे बात कर रहा था दूसरे फोन से, उसने रिकॉर्डिंग लिया वीडियो लिया है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ। अभी आप सुनिए कि पहले से मैं जो बोल रही हूँ ना कि पहले से ये लोग मुझे मेरे बच्चों को मेरे आदमी को जब भी तो मैं अपना आदमी समझती तो ये गालियां देना केस में फंसाना तुम्हारे ऊपर ये करेंगे और इन्होंने किया भी है, तो ये सुनिए उसकी लड़की ने क्या बोला। पंद्रह लाख रुपए तेरी माँ को मैंने 15 लाख तेरी माँ को रोकड़े दिए, 9 लाख ब्याज दिया,
और मेरी औरत के 17 तोले दागिने भी ले लिए तेरी माँ ने। मर्डर करवाएगी मेरा मर्डर करवाएगी। तू मेरा मर्डर करवाने की है ना, है ना? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम? तूने सुपारी ली है? तूने मेरी सुपारी ली? तूने मेरी सुपारी ली ना? सुना आपने, मैं अभी तक इन उलझनों में इतनी उलझी हूँ कि किसको सच मानो। लेकिन जब ये सामने बंगड़ी चोर आके बैठा तब मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास हुआ कि ये मिली जुली सरकार है और कौन सच है कौन झूठ है। आज तक मैं ये बात नहीं कर समझ पा रही थी, क्यों? क्योंकि एक तरफ मेरा शौहर जिसको मैं कभी झूठ समझ ही नहीं सकती, और एक तरफ दोस्त जिसको मैं शौहर के पहले से जानती थी। तो मैंने हमेशा यही बातें बताई कि वर्ड बोली है वो कुछ भी, मतलब मैं ऐसे कुछ समझ ही, मैं खुद ही इतनी उलझनों में उलझी हूँ कि कौन सच्चा है कौन झूठा। और इनके ये सब उलझनों की वजह से मैं अपना कितना कुछ खो चुकी हूँ वो मैं आपको क्या बताऊँ। और आपने तो इनकी जबानी सुना कि मेरा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैंने दागिना गया तो गया, मेरा पैसा गया तो गया, लेकिन मैंने कभी वो चीज़ को उतना तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि चलो जाने दो, मेरे शौहर जो भी उलझनों में उलझ गया तो आज मेरे पास है तो कोई बात नहीं, उसमें से वो निकल जाएगा तो कल वो मुझे लाके पिनाएगा या वो मुझे लाके कमा के देगा। कौन सी औरत की है ये ख्वाहिश नहीं होती है? कौन सी औरत ये बातों पे विश्वास नहीं रखती है? ये बातों पे विश्वास करी तो आज आप देख रहे हो कि 2.5-3 साल भी हो गए तो भी इसमें ना मेरा कहीं भी कोई ना लेना देना, तो भी आज मैं बुरी हूँ। आज उसके बाद अब मेरे बच्चे, तो इसीलिए अभी तो मेरे पास बहुत कुछ वीडियो है। मैंने आपको वादा की थी ना कि कुछ इसमें से रिलेटेड बात, क्योंकि मैंने 15 लाख का खुलासा कभी नहीं करी थी। मुझे बोला गया इनके सगे वाले कि करो, जब मैं करी तो उसमें से 1760 बातें आई। तो इस तरीके से ये बातों का शुरुआत हुई, जो हुई उसमें मैं फंसते गई, देते गई, करते गई। अब मैं किस कौन से मोड़ से कौन से छोर से तुमको बताऊं मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज है जो आप लोग देखो और आप समझो कि मैं कहाँ गलत हूँ। बस